हेलो। देखिए, आज का टॉपिक बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बोले बाइनरी नंबर सिस्टम एक आपका टॉपिक है और इससे जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, कहाँ कहाँ पूछा जाता है, उन सारे चीजों को पहले समझ लीजिए। बाइनरी नंबर और सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में द्वि आधारी अंकन पद्धति। ये द्वि आधारी अंकन पद्धति, द्वि आधारी अंकन पद्धति। तो बोले अगर द्वि आधारी अंकन पद्धति, तो इसका अर्थ होता है कि जैसे आप यहाँ पे 17 को बाइनरी में लिखना चाहेंगे, तो ये एक क्वेश्चन के रूप में आपको यहाँ पर आ गया। तो बाइनरी में जब भी हम किसी भी नंबर को डिनोट करेंगे, तो उसका अर्थ यही होता है कि आप उस नंबर को दो से लगातार भाग देंगे, सक्सेसिवली भाग देंगे। और लगातार भाग, क्रमागत भाग, सक्सेसिव भाग का अर्थ क्या होता है वो समझिए। जैसे इससे रेलवे में एक क्वेश्चन, एसएससी में एक क्वेश्चन, और पीओ में मैथ्स में बहुत पहले पूछता था, पांच पांच क्वेश्चन पूछा है, फिर उसी को 2 साल के बाद रीजनिंग में ले आया था। तो इसलिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको पीओ के लिए नहीं रहा, लेकिन रेलवे एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। और इसके लिए आपको क्या करना है उस चीज पर ध्यान दीजिए। देखिए, बाइनरी नंबर सिस्टम का अर्थ हो गया कि किसी भी नंबर को दो से लगातार भाग देना है। जैसे बोले इसके लिए हम अगर देखें तो 17 को इस प्रकार से आपको दो से भाग देना पड़ेगा, 2 से 8 चांस लगेगा। यहाँ पर देखिए, 8 दुना 16, ये 1 बचा, 2 से फिर लगा, 2 ही से लगाना है, 4 चांस लगेगा। तो आपका 2 4 8, 8 में 8 घटा तो 0, 2 से 2 चांस लगेगा, तो आपका यहाँ 2 2 4, तो फिर 0, और फिर आपका 2 से 1 चांस लगेगा, 2 2 से 2, 2 माइनस 2 से 0। अब ये लास्ट हो गया, तो नीचे से अंतिम भाग फल और आपको ये पूरे शेषफल को लिख देना है। तो आज 17 को बाइनरी में जब लिखा जाएगा तो बन जाएगा पहले ये 1, फिर आपको 0, फिर 0, फिर 0 और ये 1। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। इसका अर्थ क्या निकला कि बाइनरी नंबर सिस्टम, आप जल्दी से नोट करिए, और इसका अर्थ क्या निकला वो आपको हम फिर से एक बार बताते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम में दी गई संख्या को 2 से भाग दिया जाता है, प्राप्त भागफल को पुनः 2 से भाग दिया जाता है, प्राप्त भागफल को पुनः 2 से भाग दिया जाता है जब तक पॉसिबल हो। जब अंत होता है तो अंतिम भागफल और सारे शेषफल को नीचे से ऊपर के क्रम में लिख देना है। यही 17 का बाइनरी नंबर सिस्टम में डिनोशन हो गया। चलिए, बट सी, हम लोग इसको जो ढील करेंगे उसके लिए ये स्टेप नहीं लेंगे, ठीक है। अब यहां पर बाइनरी नंबर सिस्टम तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, लेकिन 17 को बाइनरी में लिखने के लिए हमारा यहां पर ट्रिकी अप्रोच क्या कहता है वो सीख लेना। बोलिए, हम 1 लेंगे, 2 लेंगे, डबल करिए इधर से, ऐसे है ना, 1 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64। ये जब तक आपको जरूरी हो, माने नंबर के साइज पर डिपेंड करता है कितना बड़ा नंबर आपको दिया गया। और इसी में हम लोगों को काम करना है इस प्रकार से। कैसे देखिए, बोले अगर बोला कि 17 को बाइनरी में लिखना है, तो इसमें आप सेलेक्ट करिए कि किसको किसको जोड़ करके 17 बनेगा, या किसको 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 जोड़ करके 17 बनेगा। मीनिंग है सिंगल 17 है, 2 बार जोड़ के, 3 को जोड़कर, कैसे भी 17। ये सारे छात्र का एक ही नजरिया होगा, एक ही रिसर्च होगा, एक ही रिजल्ट होगा। बोले आज 17 बनाना हो तो कोई भी छात्र इसी 2 को जोड़कर 17 बना सकते हैं यहां पर, और बाकी 17 नहीं बनेगा। अब है इसको यूज किए, टिक लगा तो 1, जिसको इन बिटवीन छूट गया, यूज नहीं किया ऐसा, और इसको यूज किया ऐसा, तो यही जो निकला ना वो 17 का बाइनरी में मान हुआ, यही आपका उत्तर आया था। हो गया। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको यहां पर क्वेश्चन में दे दिया 23 को बाइनरी में व्यक्त करें, तो बोले फिर एक बार हम दिखाते हैं कि 23 को बाइनरी में अगर लिखना है तो डिटेल्स क्या कहता है। 2 से भाग लगाएंगे, 11 चांस, 11 2 22, 1 बचेगा, 2 से 2 5 10, 1 बचेगा, 2 दुना 4, 1 बचेगा, 2 से 1 चांस, 0 बचेगा। ऐसे बढ़ेंगे तो आपका 1 0, यहां से 1 0 1 1 1, ये जो निकला ना यही आपका 23 इन बाइनरी हो गया। ये 23 है। अगर आप उस ट्रिक पर आते हैं तो कैसे निकलेगा, यहां पर देख लीजिए। बोले यहां लिखेंगे 1 2, डबल करिए, 4 8 16 32, बस ऐसे।
और आप बोलिए 23 बनाना है, कैसे बनेगा? बोले 16 में 4 जोड़ेंगे 20, 2 22 21, तो ये 1, ये 8 बच गया 0, 1 1 1, देखिए यही उत्तर आया था आपका। तो अच्छे तरीके से पढ़िए, है ना, हर चीज हल्का लगेगा और इजीली बना पाएंगे कम समय में। चलिए दोनों मेथड बता दिए, बेसिक से भी, इससे भी, लेकिन आपको जो है ट्रिकी अप्रोच लगाना है। बोलिए हम इसका एक अगला क्वेश्चन और लेते हैं। आज यहां पर आपको 43 को बाइनरी में लिखने के लिए बोला गया। बोले आप तुरंत लिखेंगे 1 2 4 8 16 32, यहां तक तो कम से कम जाना पड़ेगा, तभी आपका काम बनेगा। बोले आज इसमें फिल करिए कि आप जो है 43 कैसे लेंगे, 32 8 40 2 42 और 1 43 मिलेगा, 1 0 1 0 1 1, यही जो निकला यह 43 का बाइनरी में माना गया। ओके चलिए अब हम क्या किए, कुछ नंबर्स को बाइनरी में पहले तो बदल दिए, अब क्या करेंगे, कुछ बाइनरी को डेसिमल सिस्टम में लाएंगे। ठीक है, तो बाइनरी को डेसिमल में कैसे लाया जाता है वो देखिए, बाइनरी टू डेसिमल ऐसे, ये दशमलव पद्धति बोलते हैं और ये द्विआधारी पद्धति। तो बोले अगर क्वेश्चन ऐसा दिया कि 1011 है और बोला कि इस ये आपको दशमलव पद्धति में कितना होगा, तो बोले ये दशमलव पद्धति में कितना होगा, उसके लिए नियम है कि आज आप यहां पर 1 2 4 8 16 लिख दीजिए और ये जो दिख रहा है ना उसको यहां पर राइट साइड से इसको 1 by 1 बैठा दीजिए, जैसे 1 1 0 और 1 बैठा दीजिए। देखिए 8 को आप एक्सेप्ट किए हैं, ये 0 है मीनिंग है ये एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो ये रिजेक्ट हो गया, प्लस में 2 और प्लस में 1, आपका ये 11 है। अगर हम 11 को बाइनरी में लिखने बोले तो आप यही बताइएगा, हो गया, तो आपका आंसर 11। चलिए दूसरा एग्जांपल भी देते हैं। आज यहां पर अगर हम लिखें 1 0 1 0 1 1 ऐसा और ये बराबर में व्हाट ऐसा, बोले ये तो बाइनरी में लिखा है और इसको हम लोगों को डेसिमल सिस्टम में बदलना है, तो बोले आप 1 2 करके बनाएंगे, एक बार हम दिखाते हैं, 1 2 ऐसा करते हुए 4 8 16 32। चलिए आप बोलिए इसमें 1 by 1 बैठाना है, तो ये 1 ये 1 ये 0 ये आपका 1 ये 0 और ये 1, मीनिंग का आप क्या किए, 32 को एक्सेप्ट करेंगे ये एक्सेप्ट नहीं होगा, 8 एक्सेप्ट होगा ये एक्सेप्ट नहीं होगा, 2 एक्सेप्ट होगा और 1 एक्सेप्ट होगा, 32 8 40 और 3 43, तो ये क्या है 43 को बाइनरी में ऐसे। अब यहां पर देखिए हम लोग ये काम करते नहीं है, जैसे इसी क्वेश्चन में अगर 1 0 1 0 1 1 है ना और इसका मान आपसे पूछा गया कि ये कौन सी संख्या है दशमलव पद्धति का, तो कैसे बना लेंगे, देखिए डायरेक्ट ये नहीं करना है, ठीक है, सीखिए, ये 1 है, 1 का डबल 2 है, 2 का डबल 4 लेकिन मत लिखिएगा क्योंकि 0 आ गया, 4 का डबल 8 लिखिएगा, 8 का डबल 16 मत लिखिए, 16 का डबल 32 लिखिए, 32 8 40 7 3 43, आपके प्रश्न का आंसर हो गया जो यहां पर आया था। बहुत अच्छे तरीके से आप सीख सकते हैं, केवल ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर दिखाते हैं, देखिए अगर ये 1 1 1 0 1 0 1 ऐसा लिखा रहे और इसका मान क्या होगा, तो पढ़िए ये तो 1 है, 1 का डबल 2 मत लिखिए, 2 का डबल 4 लिखिएगा, 4 का डबल 8 मत लिखिए, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32 और 32 का डबल 64, और इसी को हम ऐड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो बोले 64 में आप 36 जोड़ दीजिए, 32 4 तो 100 हो गया, और 16 1 17 हो गया, तो 117, 1 4 5 6 11, 4 15 2 17 हो गया, 1 5 1 1 2 3 5 6 11, ये आपका आंसर हो गया। हो गया, क्या सीखे, प्लेन नंबर को है ना इसको आप बाइनरी में लिखे और यहां पर अगर ऐसा लिखा रहे तो इसको दशमलव पद्धति में लिख दिए, ये दो चीज सीख लिए। अब आइए अब हम लोग क्या करते हैं इसी का अगला सिचुएशन, कि क्वेश्चन ऐसा दे देता है, देखिए कि 0 पॉइंट एक सिचुएशन हम आपको दिखाते हैं एग्जैक्ट एग्जांपल इसका। तो बोले कभी क्वेश्चन क्या करेगा कि दशमलव में एक नंबर आपको लिखा रहेगा, ये तो ऐसे बताया गया था ना 8125 ऐसे ऐसे, और इसको बोलेगा बाइनरी में बदलिए, मैंने अभी तो प्लेन नंबर को बाइनरी में बदलते थे, अब दशमलव में नंबर है प्लेन वाला ही दशमलव में है इसको बाइनरी में बदलना, तो इसका क्या रूल है, देखिए
ये जो लिखता है ना 0.8125 ऐसे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए दो से गुना करिए, दो पाँच दस, दो दुना चार एक पाँच, दो और दो आठ सोलह। अब ये जो दशमलव वाला है ना, ये वाला, इसको फिर यहाँ लाइएगा, 6250 ना, ये 6250, इसको भी दो से गुना, तो देखिए जीरो दो पाँच दस, दो दो चार एक पाँच और दो छः बारह ऐसा। फिर ये जो बचा इसको यहाँ पर लाइएगा और दो से गुना करिएगा, तो ये आपका 5000 हो जाएगा, है ना, 25 से 5000, और वो कैसे बनेगा, तो 0. ऐसा, ठीक है, यही हुआ। और फिर ये जो बना इसको आप यहाँ पर लाएंगे और दो से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 1. में ऐसा। और बोले अब इसको ला के क्या करिएगा, ये तो 0 है तो आगे नहीं बढ़ेगा, अब इसमें ऊपर से नीचे बढ़िएगा, मीनिंग हम आंसर जो देंगे उसके लिए दशमलव तो रहेगा ही, और लिखेंगे 1101, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो 0.8125 को जब हम बाइनरी में लिखेंगे तो 0.1101 आंसर होगा। तो ये तरीका है, आप इस नंबर को दो से लगातार गुना करेंगे, दशमलव के आगे जो अंक दिखता है ना उन सारे को बार बार लाते जाएंगे, अंत एक जगह पर होगा कि आप प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, तो वही उसका आंसर दे दीजिएगा ऊपर से नीचे। चलिए अब इसी तरह का एक आपको हम मिक्स क्वेश्चन देते हैं, जिसमें यहाँ लिखा है 57.375 और ये ऐसा। बोले ये क्या है, एक तो 57 कंप्लीट है और एक आपको ये ऐसा है, तो बोले दोनों चीज तो पढ़ ही लिए, क्वेश्चन ये हो गया। तो 57 आप बना लेते थे ना कैसे, इस पर बैठाकर, एक दो चार आठ सोलह 32 से, चलिए इसी पर बैठाकर लाएंगे। 57 कैसे बनेगा, तो 32 और 16 48, 8 56 और 1 57, है ना, तो ये 1 1 1, यहां पर 0 0 और 1। चलिए अभी तो ये पढ़े थे कि इसको कैसे लिखा जाएगा, तो 0.375 वाले के लिए दो से गुणा करेंगे तो 375 750 हो गया ऐसा। फिर ये जो 0.750 है इसको हम दो से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1. ऐसा हो गया। फिर जो ये 0.500 है इसको दो से गुणा करेंगे, ये ऐसा हो गया, और अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे ऐसा लिखेंगे, तो यहाँ पर 0.011 ऐसा। इसीलिए हम फाइनल आंसर जो देने जाएंगे वो कैसा होगा, तो 1 1 1 0 0 1 दशमलव और ये जो है 0 1 1, ये आपके प्रश्न का आंसर जो इसमें होगा बिल्कुल सही ऐसा। तो बोलिए हम हर तरीके से क्वेश्चन का एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, जो आपको पूछा जा सकता है पूछा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसी में एक सिचुएशन और, जिसमें कि आपको क्वेश्चन ऐसा लिख दिया, देखिए 1 1, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या लिखा, 1 1 1 0 1, और डेसिमल दिया है जो कि 0 0 1 ऐसा, और इसका मान पूछा। बोले ये बाइनरी में लिखा हुआ है और इसको प्लेन नंबर में बदलना, तो देखिए यहां भी वही बात है 1 1 1 0 1 और प्लस में ऐसा। बोले इसको चेंज करेंगे तो ये एक है, दो नहीं लेंगे, चार लेंगे, आठ लेंगे और 16 लेंगे, तो 16 24 4 28 और 1 29, मीनिंग 29 तो आ गया। और इसके लिए सीखिए ना ये, तो इसके लिए तो बोले यहां पर क्या होता है, इस जीरो में आप 2 का -1 पावर से गुणा करेंगे, इस जीरो में 2 का -2 से गुणा करेंगे, और इस एक में 2 का -3 से गुणा करेंगे, तो ये जीरो ही रहेगा, ये जीरो ही रहेगा, और ये आएगा 1/8, और 1/8 का अर्थ होता है पॉइंट में 125। इसलिए हम आंसर जो देंगे तो 29 और पॉइंट में 125, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, इसका आंसर 29 और पॉइंट में 125 ऐसा। तो चलिए इस तरीके से हम लोग इस बाइनरी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को इजीली डील करते हैं। ये बाइनरी में जब लिखा है ना, तो इसके लिए रूल क्या है, इसमें 2 का -1 पावर, 2 का -2 पावर, 2 का -3 पावर सॉल्व करिएगा, इसको डेसिमल में लाइएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से एक बार आप रिवाइज करिएगा, ठीक है। अब आइए, अब यहीं पर क्वेश्चन दे देता है ऐसा कि ये 1 0 1 1 लिख दिया, अब प्लस में यहाँ पर 1 0 0 और 1 ऐसा लिख दिया, और बोला इसका मान क्या होगा, और ऑप्शन बाइनरी में देगा, ये बाइनरी, ये बाइनरी, और ऑप्शन भी बाइनरी। तो इसको दो मेथड से सीखिए, ये है क्या, 1 2 4 मत लिखिए, 8 लिखिए, तो 8 2 10 1 11 प्लस, ये क्या है, 1 2 मत लिखिए, 4 मत लिखिए, 8 लिखिए, तो 8 और 1
नौ, 11 और 9 जोड़ करके कितना 20, मीनिंग है आपका आंसर आ गया 20, लेकिन ऑप्शन बाइनरी में है। तो बोले 20 कैसे बनेगा बाइनरी में, तो आप पढ़े हुए 1, 2, 4, 8 और 16 ऐसा। तो बोले बाइनरी में 20 कैसे बनेगा, इसमें किसको किसको जोड़ेंगे, 16 और 4 को, तो 1 0 1 0 0। तो आप इसका आंसर देते हैं 1 0 1 0 0, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऐसा। लेकिन बोलिए बाइनरी में जब आपको जोड़ना हो ना, जैसे ये जोड़ा जा रहा है और ये जोड़ा जा रहा है ऐसे, तो आप कुछ मत करिए, जब आपको 2 आएगा तो 10 मानिएगा और 3 आएगा तो 11 मानिएगा, बस ये केवल याद रखना है। क्या बोले, जोड़ के 2 आ जाएगा तो 10 और 3 आएगा तो 11। बोले 1 1 2 2 = 10, 0 लिखे 1 बच गया, 1 और 1 2 2 = 10, 0 लिखे 1 बच गया, ये 0 1 और ये 1 1 2 2 = 10। आप गौर से देखिए, जो आंसर यहां आया था वही आंसर यहां भी आ गया। इतना इजीली, इतने बड़े सॉल्यूशन को आप इतना इजीली बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम देते हैं तब ये टॉपिक मेरा लास्ट हो जाएगा। बोले 1 0 1 0 1 और प्लस में यहां पर आपको जो है ना ये 1 1 1 0 इक्वल्स टू व्हाट ऐसा। बोले आज यहां पर 1 0 1 0 1 में हम ये लिखेंगे 1 1 1 0 और यहां जोड़ेंगे 2 = 10, 3 = 11। बोले ये 1 है, ये 1 है, 1 1 2 2 = 10, 0 लिख दे, फिर 1 1 2 2 = 10 और फिर 1 1 2 2 = 10, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया ऐसा। तो बाइनरी के दो नंबर्स को इजीली आप जोड़ सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, प्यारे छात्रों, और आप जो यहां पर पढ़ रहे थे बाइनरी नंबर सिस्टम, इसमें इतने ही प्रकार से क्वेश्चन एक्चुअली पूछा जाएगा, और आप अगर इसको अच्छे से रिवाइज करिए, देख लीजिए, कोई दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन साइट कर दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहां से हम लोग बढ़ेंगे, अभी हम एक बिगनिंग किए हैं आपके इस न्यू बैच का, इसीलिए आगे में सिस्टम से PDF दे करके उस PDF के थ्रू क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले क्लास में। Thank you.